हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वैदिक मैथ। आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको एक इजी ट्रिक, मतलब शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 स्टेप मल्टीप्लाई है, 4 स्टेप, तो वो काफी लेंथी हो जाता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि वो नंबर 11 होना चाहिए बट उसमें डिजिट 4 और 5 और कितनी भी हो सकते हैं। ये मेथड हर के लिए एप्लीकेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेके, जैसे 4921 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो सब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कितने प्लेस है यहाँ पे। 1 stands 100,000, तो 1 place को एज इट इज रखना है आंसर के लिए। मैंने क्या करा, 1 place को एज इट इज। उसके बाद मुझे ऐड करते जाना है, 1s में मैं 10s को ऐड करूंगी तो 2+1 कितना आएगा, 3। अब फिर 10s को मैं 100 में ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 2+9 11 आएगा। तो 1 इधर आ जाएगा और 1 कैरी के लिए मैं यहाँ रख लूंगी क्योंकि हम डायरेक्टली 11 नहीं रख सकते। अब मैं 9 में कितना 4+ करूंगी, 4, तो कितना आएगा, 13, और 1 कैरी थी यहाँ पर, वो कितना हो गया, 14। अब इसकी कैरी 1 बचेगी, मुझे इसको पूरा करना है। तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट को लास्ट को एज इट इज रखना होता है। अब मैं फर्स्ट को एज इट इज रखूंगी बट मेरे पास एक कैरी बच रही है तो मैं इस कैरी को यहाँ पर नोट कर दूंगी, तो 4+1 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब मैं आपको नॉर्मली ये करके दिखाती हूँ मल्टीप्लाई ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4 9 1 1 2 1 2 9। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आएगा, सॉरी 2 9 4। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 1 यहाँ पर, 3 1 कैरी चला गया, 14, फिर यहाँ पर कैरी 5। क्या आंसर आया, 5 4 1 3 1। तो हमें मल्टीप्लाई करने में एज कम्पेयर टू हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफी इजी लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या कहा था, 1 place को एज इट इज रखना है, इसमें हम 10s वैल्यू को ऐड करेंगे, 6+2 कितना करूंगी, 6+2 तो मेरा कितना आया, 8। फिर मैं 2 में कितना प्लस करूंगी, 7, कितना आया मेरे पास, 9। अब कैरी नहीं है तो मेरी जो लास्ट डिजिट है वो ऐसे की ऐसी डाउन हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, 4 8 6 मल्टीप्लाई 11। तो मैंने क्या कहा था, 4 8 6, 1 place को एज इट इज, 1s को 10s के साथ प्लस करेंगे, 6 और 8 14, तो 4 ऊपर 1 कैरी हम रख लेते हैं। फिर 8 में कितना प्लस करूंगी, 4, कितना आएगा, 12, 12 और जो कैरी 1 बची थी इसको 13। अब इसकी कैरी कौन पूरी करेगा, हमने क्या स्टेप बताया था कि लास्ट डिजिट इन फर्स्ट डिजिट को हम एज इट इज रखेंगे, लास्ट को रखा, फर्स्ट को एज इट इज नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास एक कैरी लेफ्ट है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी तो कितना आएगा, 5 3 4 6। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। अब मैं यहाँ पर चलो 4 डिजिट का बना लेती हूँ, 7 9 5 0। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 0 को एज इट इज रखेंगे, 0 में कितना ऐड करेंगे, 5, तो कितना आएगा हमारे पास, 5। फिर मैं 5 में कितना ऐड करूंगी, 9, तो कितना आएगा मेरे पास, 14, 4 ऊपर 1 कैरी नीचे। फिर मैं 9 में कितना प्लस करूंगी, 7, तो 9 और 7 कितना होता है, 16, और 16 1+17। ठीक है, अब 1 कैरी बची है, हमें क्या करना होता है, लास्ट और फर्स्ट को सेम रखना होता है बट एक कैरी है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 7 4 5 0। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 11 के लिए बताई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 111 के लिए बताऊंगी कि आप इसी मेथड से इजीली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।